नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वेज लॉलीपॉप बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। भजिया पकौड़ा पकौड़ी ये सब खाते ही हैं, हम हमेशा बनाते हैं। कुछ अलग टेस्ट का खाने का मन करे ना तो कभी कभी ये भी बनाकर आप इंजॉय कर सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून तेल, कुकिंग ऑयल। तेल हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप अगर मैं पसंद करते हैं तो आप बारीक चॉप करके डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पेस्ट डाल रही हूँ और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा रॉ फ्लेवर हमें निकालना है। ये हो गया है, कच्चा फ्लेवर इसका निकल गया है। अभी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ एकदम फाइन चॉप्ड, हम डाल देंगे कैरेट, गाजर और ग्रीन बीन्स। 1/4 कप दोनों की क्वांटिटी है गाजर और ग्रीन बीन्स की। सब्जी कम ज़्यादा आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं और कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये है पत्ता गोभी फाइन चॉप्ड और शिमला मिर्च, ये भी सेम ही क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है। 1/4 कप लिया है मैंने। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे किया है, इसका मॉइस्चर हमें निकालना है। इसमें बहुत मामूली सा हम मसाले का फ्लेवर देंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। जस्ट खाली फ्लेवर दिया है, कलर के लिए ये डाल दिया है हल्दी का पाउडर। नमक हम नहीं डालेंगे, पानी इसका ना रिलीज़ नहीं करने देना है, क्योंकि पानी अगर में रिलीज़ होगा ना तो हम वेज लॉलीपॉप बना नहीं पाएंगे। 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें जीरा पाउडर। अब हमें इसको कॉन्स्टेंटली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेना है, पका लेना है, ओवर कुक नहीं करना है। इसमें क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। 1 पिंच जितना हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। फ्लेम बंद करके हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे इसको। मिक्सचर को प्लेट में मैंने निकाल लिया है, इसमें 1/3 टीस्पून हम अमचूर का पाउडर डालेंगे। थोड़ा चटपटा करना है ना, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया एंड देन 2 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू मैंने छील करके बढ़िया एकदम बारीक मैश कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। अब ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 ब्रेड मिक्सर जार में डाल करके इसको बारीक पीस लिया है। ब्रेड क्रम्स घर पर बनकर रेडी हो गया। लॉलीपॉप में मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं मॉइस्चर होगा ना थोड़ा बहुत ये सोक कर लेता है, और अगर ये ना हो आपके पास तो कॉर्नस्टार्च भी आप डाल सकते हैं, उससे भी क्रिस्पी होगा और मॉइस्चर वो भी सोक करता है। नहीं हो दोनों आपके पास या नहीं डालना है तो आप इस चीज़ को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बढ़िया मिक्स कर देंगे हम। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। इसके पहले हमें यहाँ पे मैदे का एक घोल बना करके रेडी करना है। 4 टेबलस्पून एकदम भर कर, यही बड़ा चम्मच मैंने ये मैदा ले लिया है। इसमें हम पानी डाल करके पतला बैटर बनाएंगे, स्लरी। बैटर बना लिया है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें हम डिप नहीं कर पाएंगे अच्छे से डिप करने के लिए, इजी काम करने के लिए बड़ा सा ग्लास ऐसे कप वगैरह ले सकते हैं। इसमें हम स्लरी को डाल देंगे, भी आगे आप देखेंगे मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, इसको साइड में रख देते हैं। अब लॉलीपॉप हम बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे स्टिक ले लिया है, पॉप्सिकल स्टिक, लॉलीपॉप स्टिक, जो भी हो आपके पास वो ले लो। और जिसके पास स्टिक ना हो ना वो भी आप बनाकर खा सकते हैं, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। थोड़ा थोड़ा इसमें से लेंगे और एक बढ़िया सा इस तरह का हम शेप देंगे। इस तरह का शेप देने के बाद फिर ये जो स्टिक है इसके बीच में हम डाल देंगे और एकदम बढ़िया टाइट एकदम रोल कर देंगे। अब जो ये कप में ये रखा है बैटर मैदे का, इसमें हम इसको बढ़िया डिप कर देंगे, निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। हाँ, फिर सीधा हम ब्रेड क्रम में
डाल करके पूरा हम कोट कर देंगे अच्छे से। इसी तरह से हम पूरा बना करके रेडी कर लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक प्लेट में हम ऐसे रखते जाएंगे पूरा रेडी करके, फिर एक साथ में ही फ्राई करेंगे। आप एक बना और सेक भी सकते हैं, और अगर जिसके पास पॉप्सिकल स्टिक नहीं है ना, वो उसको खाना है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि स्टिक के बिना लॉलीपॉप नहीं खाया जा सकता है, ऐसे भी खा लेंगे ना। ऐसे इस तरह से हमने एक छोटा सा बॉल का साइज़ दिया, और इसको भी हम थोड़ा सा डिप कर लेंगे ये, और बढ़िया कोट कर देंगे। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, खा सकते हैं। इसी तरह से अपना पूरा बना करके रेडी कर लेंगे। तेल मैंने पहले से ही रख दिया था गरम होने के लिए, ये पूरा मैंने रेडी कर लिया है। मीडियम गरम तेल होना चाहिए, धीरे धीरे हम करके डाल देंगे। एक बार में जितना आएगा उतना ही डालेंगे, ज़्यादा ना डाल देना, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। डालते ही तुरंत हमें नहीं टच करना है, थोड़ा टाइम देना है, अच्छा सा कलर आने लगे ना गोल्डन ब्राउन कलर, तब हमें इसको पलटना है। जो कि ये देखो बढ़िया कलर चेंज होने लगा है, इसको हम उलट पलट कर एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। थोड़ा उलटने पलटने में ध्यान देना, एकदम सावधानी से करना, नहीं तो छींटे आ सकते हैं ऊपर। एकदम बढ़िया सिक गया है, अच्छा कलर आ गया है, निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर एकदम बढ़िया वेज लॉलीपॉप बनकर रेडी हो गया है, बाकी का हम बाद में बनाएंगे। ये ऐसा नाश्ता है कि गर्मा गर्म बनाते और खाते जाओ तो ही अच्छा लगेगा। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये लॉलीपॉप बन करके रेडी हुआ है। ये देखो कैसी लगी आप लोगों को ये वेज लॉलीपॉप की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।